हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी वीडियोस मैंने आपको सेंड की है, वहां पर हमने अभी तक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में स्टडी किया था, मतलब इन्वायरमेंट में जो गिरावट आ रही है उसको डिस्कस किया था। अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो तो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, मतलब उसमें गिरावट आती चली जा रही है। वो चाहे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, चाहे सॉइल फर्टिलिटी का डिक्रीज होना हो, या डिफॉरेस्टेशन होना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती चली जा रही है। अब जो ये डेवलपमेंट है, तो क्या ये एक अच्छी इकोनॉमी या एक हेल्थी डेवलपमेंट को शो करता है? नहीं, ये डेवलपमेंट एक हेल्थी डेवलपमेंट को शो नहीं करता है। तो वो कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी वो सारी एडवांटेजेस मिल सके जो एडवांटेजेस नेचर से हम अभी ले पा रहे हैं? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करता है दोनों की, मतलब प्रेजेंट जनरेशन की भी और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उस इसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो सके। और ये कैसे पॉसिबल है? विदाउट थ्रेटनिंग नेचुरल एंडोमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो किसी तरह से डिग्रेड ना हो या उस पर किसी तरह का खतरा ना हो। अब क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं कि इन द रिसेंट पास्ट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाज व्यूड इन कंप्लीट डिसरिगार्ड। जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है उसने इन सारी चीज़ों को डिसरिगार्ड किया है, मतलब इनको ओबे नहीं किया है। द रिसोर्सेज एंडोमेंट, मतलब रिसोर्सेज का कैपिटल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का भी जो सपोर्ट है वो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, मतलब इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डिग्रेड किया गया है और जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हुआ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अफेक्टेड हुई। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? वो पॉइंट्स हम सारे वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन में। नंबर वन, डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड हैज़ लेड टू फॉल इन सॉयल फर्टिलिटी। तो जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग होती है तो वो भी एक रीज़न है सॉयल फर्टिलिटी का डिक्रीज होना, तो क्योंकि लैंड हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम आज ही उसकी सारी जो एनर्जी है उसको यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर में इट विल बिकम अ अनफर्टाइल लैंड। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो उससे फुलफ़िल नहीं हो सकेगी। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो एनर्जी में यूज़ होते हैं या फिर डिफरेंट यूज़ होता है उनका, तो उनकी एक्सेसिव माइनिंग होनी, लाइक आयरन है, कोल है, गोल्ड है, सिल्वर है, और साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ देयर स्टॉक। तो क्योंकि हम इनको एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, तो इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है और वो स्टॉक जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, डिप्लेट होता जा रहा है। नंबर थ्री, जो पॉल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे स्मोक है और अदर इंजरियस इमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू आता है या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के थ्रू आता है, उसकी वजह से भी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो वो सारे पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए थे एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो डेवलपमेंट है वो राइट डायरेक्शन में नहीं है। क्योंकि हम ये स्टडी करते हैं कि डेवलपमेंट के पीछे रीज़न है थ्रू द डेवलपमेंट इन नेशनल इनकम और साथ में पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर एक जो पर्सन है इकोनॉमी का उसकी इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो सपोज़ कोई पर्सन है, उसकी इनकम तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने आसपास वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उससे क्या होगा, उसको डिफरेंट डिसीज़ होने लग जाएगी, उसकी हेल्थ कंडीशंस पुअर हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, जो उसकी इनकम है
उसको खर्च कर देगा फॉर टेकिंग हेल्थ फैसिलिटीज़। तो क्या बेनिफिट हुआ उस इनकम का, जो वो इनकम अर्न की उसने थ्रू द डेवलपमेंट, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिफरेंट एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया और वो सारी इनकम उसने अपनी स्पेंड कर दी फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं पर भी शो नहीं करता है। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम जो एयर है, जो खुली हवा है, उसमें अगर हम ब्रीथिंग नहीं ले सकते हैं, वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रही है। क्या कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? इट इज़ अ प्रोसेस विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। मतलब जब हम कहते हैं कि भाई हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे, हाँ, उससे जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे उसमें एयर है, चाहे उसमें वाटर है, या फिर जो माइनिंग के थ्रू निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर को जब जो एयर मिलेगी वो बहुत हाईली पोल्यूटेड होगी, जो वाटर होगा वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल है, एनर्जी रिलेटेड कोल है, वो सारे डेप्लेट हो चुके होंगे, वो सारे डिक्रीज हो चुके होंगे, तो वो उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो ये इम्प्लाई करता है डेट द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एक्सप्लॉयटेड। तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को ही खर्च कर दें, बट यूज़ तो करें उनको, बट रैशनली यूटिलाइज, जितनी ज़रूरत है उतना ही उनको यूज़ करें, एक्सेस में उनको यूज़ ना करें। तो ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जब किसी इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो वो एक्चुअल में रियल पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करता है। ये मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसे कि डेवलपमेंट के थ्रू इनकम तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन वो सारा स्पेंड हो गई अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने में या मेडिसिन वगैरह में, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और साथ में वो रियल पर कैपिटा इनकम ऐसी इंक्रीज़ होनी चाहिए जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर हो, मतलब जितने भी पर्सन्स हैं किसी इकोनॉमी में उन सबको बेनिफिट मिले, किसी को भी उसका नुकसान ना हो। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर किसी भी पर्सन को उस डेवलपमेंट से किसी तरह का नुकसान ना हो। नेक्स्ट इज रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए और वो एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड ना हो। नंबर थर्ड इज़ एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब यहाँ पर है कि उसको जो नीड है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं फ्यूचर जनरेशन की, एयर है, वाटर है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको डैमेज नहीं किया जाए। इम्पेयर्ड का मीनिंग है डैमेज्ड, उनको डैमेज ना किया जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेस द पॉइंट डेट द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स इज़ नॉट डैमेज्ड। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, उसको इरेशनली यूज़ करने से या उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने से, तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट जो प्रोसेस है इज़ नॉट सस्टेनेबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉयट कर देंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं रह पाएगा। एंड द लास्ट इज़ चेक ऑन पोल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है ऐसी ग्रोथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है उनको अप्रूव नहीं किया जाए, मतलब उनको एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया जाए, इनको स्टॉप कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए। एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज़ टू बी व्यूड एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट। कोई इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है तो उसकी जो कॉस्ट है वो पूरी सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है। अब अगर एयर पोल्यूट हो रही है और वो किसी एक इंडस्ट्री की वजह से हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में उस इंडस्ट्री को ही उसका नुकसान होगा,
जो पूरा का पूरी सोसाइटी है वो उससे बैडली इफेक्ट होगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।